राजधानी देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 10वीं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेदिक कांग्रेस और आयुर्वेदिक एक्सपो का शुभारंभ किया। इस दौरान केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आयुर्वेदिक कांग्रेस में देश विदेश के आयुर्वेद के विशेषज्ञ और आयुर्वेद से संबंधित प्रोडक्ट रखे गए थे। इसके साथ ही आयुर्वेद से संबंधित साहित्य और उत्पाद की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुर्वेद को आगे बढ़ाने के लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में पाए जाने वाली जड़ी बूटियों में आयुर्वेद महत्वपूर्ण भूमिका में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में आयुष विभाग लगातार कार्य कर रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। और आज वर्तमान समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर योग का प्रचार प्रसार हो रहा है। पूरी दुनिया योग को मान रही है। योग ऐसी विधा है जो हमारे जीवन का दिनचर्या का हिस्सा रही है। फिर से लोग उसी प्रकार उसको आत्मसात कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस होने वाले 4 दिन के सम्मेलन से जिसमें पूरी दुनिया के वैद्य वैज्ञानिक योग के क्षेत्र में काम करने वाले विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं और लगातार वो मंथन करेंगे। उस मंथन से जो अमृत निकलेगा वो सभी प्राणियों के लिए अमृत का काम करेगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज यहाँ पर देहरादून में 10वीं आयुर्वेद कांग्रेस और जो हमारे यहाँ पर आयुर्वेद एक्सपो का 2024 का भी उद्घाटन यहाँ पर हमने अभी किया और आप देख रहे हैं कि लोगों में बहुत सारा आयुर्वेद के बारे में उत्साह है। लगभग 6,000 से ज़्यादा लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और आने वाले 4 दिन में लगभग 25-30 हज़ार तक लोग इस एक्सपो में यहाँ पर आएंगे और यहाँ का जो भी आयुर्वेदिक लोगों के जो भी स्टॉल लगे लगभग 350 स्टॉल है तो सभी स्टॉल का भी लोग वहाँ पर लुत्फ लेंगे और वहाँ से अपनी दवाइयाँ वगैरह का ज्ञान प्राप्त करेंगे। मुझे लगता है कि ऐसा ही कार्यक्रम होने से जो हमारे आदरणीय प्रधान नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि जो हमारी देश की प्राचीन प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति जो है हमारा आयुर्वेद वो दुनिया के हर कोने में जाए। निश्चित रूप से ऐसे कार्यक्रमों से हमारे आयुर्वेद को दुनिया के कोने कोने तक ले जाने में मदद मिलेगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। विश्व यहाँ पे आया हुआ है और आयुर्वेद जो कि सबसे प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है उसे विश्व में दिखाने के लिए इससे बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस से डाबर पिछले 10 सालों से संलग्नित है और हमेशा मेन स्पॉन्सर और प्राइम स्पॉन्सर रह चुका है। इस साल हम इंस्टीट्यूशनल पैटर्न एज आ रहे हैं वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस में और डाबर जो कि 140 वर्ष पुरानी कंपनी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट आयुर्वेदा कंपनी है, हमें ये गौरव प्राप्त होता है कि आयुर्वेद की चिकित्सा प्रणाली साइंस बेस्ड आयुर्वेदा हम कंज्यूमर तक दे सके ताकि सारे व्याधियों का कंज्यूमर को जो नुकसान पहुंचाती है उसके बारे में कंज्यूमर की हेल्प कर सके।